अनुप्रिया का कहना है कि देश की राजधानी में ऐसा हो सकता है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। अपने देश में लोगों को प्यार से रहना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, फिल्म फॉर चेंज में भी मैसेजेस हैं कि मैसेजेस दिखाए गए हैं चेंजेस के बारे में, तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? वेल, आई एम टोटली रिपल्स्ड बाय द सिचुएशन। आई मीन टू थिंक कि हमारी नेशनल कैपिटल में ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी अ रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स एंड ओवर एन अमेंडमेंट बिल, इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। I just feel that the government needs to take notice of what the young kids are saying and what the population is saying. We just want to live in peace. हम लोग religion में नहीं घुसना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, and there is so much else to do. I mean, I'm just thinking कि बार बार religion पे बातें कब तक उठती रहेंगी, and it's a very futile thing, and to have violence around you and see this kind of destruction is absolutely unacceptable. And for anybody, be it from any of the side. क्या message और क्या appeal करना चाहेंगे? यही कि violence doesn't solve anything. I would just appeal to everybody to take, if you have to revolt, do it peacefully and please listen to what people are saying peacefully. Every dialogue has to happen on a you know level of harmony and peace and after dialogue. Violence is not a resort to anything or a solution to anything at all. तो ये हमारे साथ अनुप्रिया गोयनका थी, जिनका साफ कहना था कि वॉयलेंस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज़ को शांति से सुलझाया जा सकता है। कैमरामैन रोहन के साथ मैं फराह खान, आ 90 वी दिल्ली।